हेलो गाई, विवो रान को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा गाई आप सबको पता है कि कल 2 दिन से आज जो है लगातार विवो रान को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। जिस टाइम से वरुण कपूर के शो पे विवो रान ने जाके सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड या जो भी कुछ उसने बोला है, उसके बाद कंटिन्यू कंट्रोवर्सी जो है लगातार चल रही है। और अभी जो है एक बड़ी अपडेट आ रही है गाइज, विभोर आनंद ने आज जो है 6 लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है। एक केस फाइल किया है और इसमें सीधा सीधा इंटरनेशनल जो फंडिंग की गई थी उसको लेकर विभोर आनंद ने बात की है। आप देख भी सकते हैं, अभी कुछ देर पहले विभोर आनंद ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने बोला है कि उसने जो है एक क्रिमिनल केस फाइल किया है नीलोपतल के खिलाफ, स्मिता पारिक के खिलाफ और वरुण कपूर के साथ पे। टोटल 6 लोगों का लोगों के लिए बोला है मुंबई पुलिस में उसने एक क्रिमिनल केस फाइल किया है और सीधे सीधे बोला है कि इसमें जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे और दिशा सालियान के नाम पे ये लोग जो है इंटरनेशनल फंडिंग कर रहे थे, जो कि एक क्रिमिनल केस बनता है। तो विभोर आनंद ने ये क्रिमिनल केस जो है इन 6 लोगों के खिलाफ किया है। अब 3 लोगों का नाम इसमें नहीं दिया गया है, टोटल 6 लोगों की बात की गई है। 3 लोगों का नाम सामने है, स्मिता पारिक, वरुण कपूर और साथ में ही नीलोत्पल। तो नीलोत्पल जो है इन 3 लोगों को लेकर केस किया गया है, क्रिमिनल केस किया गया है विभोर आनंद की तरफ से। और ये काफी बड़ी अपडेट है कि विभोर आनंद की तरफ से केस किया गया है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले जो भी केस किए गए थे वो विभोर आनंद के ऊपर किए गए थे, लेकिन पहली बार विभोर आनंद ने किसी के ऊपर केस किया है और सीधे सीधे ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है। साथ में ही विभोर आनंद ने बोला है कि मैं जो है 5 से 6 घंटे आज के दिन के लिए बोला है कि आज पूरे दिन के अंदर अंदर मैं बहुत सारे एविडेंस ऐसे आपके सामने लाऊंगा जो कि आप उसके बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो है स्कैमर हैं कि नहीं, इंटरनेशनल स्कैम ये लोग कर रहे हैं कि नहीं। अब विभोर आनंद ने एविडेंस की बात की है और शाम तक देने के लिए बोला भी है। अब देखते हैं कि विभोर आनंद की तरफ से कौन सा एविडेंस सामने आता है या नहीं आता है। क्या विभोर आनंद पूरी तरह सही है, सच में वो ये बात बोल रहा है, वो तो शाम तक ही पता चलेगा। गाइज आपको क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।